अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है, मैसेज करके पूछते रहते हैं कि जैसा कि इसका केस जो है जेके पुलिस कांस्टेबल का, वो हाई कोर्ट में है। 30 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है एज रिलैक्सेशन को लेकर। स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर मिलेगी तो इसका मतलब है एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो, आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो। आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आपके सामने एक मंथ है, दिसंबर में आपके एग्जाम है। अब ये मत सोचो कोर्ट में क्या होने वाला है, कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में क्या नहीं होगा। देखो, कोर्ट में तीन डिसीजन हो सकते हैं, या तो वो जैसा कि 30 अक्टूबर को नेक्स्ट हेयरेंगे इसको चेंज कर देंगे, बोलेंगे चलो जी अब 10 नवम्बर को होगी, या तो वो बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को चलो जी दे दी एज रिलैक्सेशन, या बोलेंगे नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपका एग्जाम जो है ना वो तो टाइम पे होगा ना, इसलिए आप ये मत सोचो कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट में क्या होगा। आप सिर्फ ये सोचो दिसंबर में आपके एग्जाम है, क्योंकि आपके सेंटर को सेटअप करने के लिए भी नोटिफिकेशंस वगैरह ऑर्डर वगैरह आ चुके हैं, वो आपके सेंटर भी सेटअप करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए आप दिसंबर को लेकर प्रिपेयर करो, जितना हो सके उतना प्रिपेयर करो। अगर मे बी पोस्टपोन हो भी जाता है तो आपका अगर प्रिपेयर होगा उसको रिवाइज करोगे और टॉपिक्स ऐड करोगे। अब अपने खुद के लिए बहाने मत बनाओ ना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बहाने मत बनाओ, कोर्ट ये बोलेगी कोर्ट वो बोलेगी, टाइम मिलेगा फिर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। आप सिर्फ ये सोचो दिसंबर में आपके एग्जाम है। मैंने लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला है, आपके एग्जाम को सिर्फ एक मंथ रह गया, ज्यादा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं। आप मार्केट से ये बुक ला सकते हैं अफजान पब्लिकेशन की, जो मेरे पास है, मैंने इसको चेक किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये एज पर सिलेबस है, एंड यहाँ के जो एमसीक्यूज हैं वो जेकेएसएसबी के हिसाब से हैं। एंड आप जब इसको प्रिपेयर करोगे, जो टॉपिक समझ नहीं आता यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, एंड मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लाऊंगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जितना हो सके मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, टाइम दो, टाइम दोगे तो फायदा होगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, कि आप माइंड में ये रखो कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो।